नमस्कार सहर, आपका कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर आपको एक ऐसे ही प्रतिष्ठान के बारे में बताएंगे जहां पर आप कभी भी किसी भी समारोह को कर सकते हैं। ये प्रतिष्ठान का नाम है सैनिक पैलेस। सैनिक पैलेस चीरा चास में अवस्थित है। सबसे पहले यहाँ पर कैसे पहुँचेंगे? अगर आप पांडे पुल की तरफ से आ रहे हैं तो पांडे पुल से आपको दाहिनी ओर आना है और नीचे आते ही आप 3 फ्लोर का सैनिक पैलेस देखेंगे। मैं आपको बताऊं कि इस तीनों फ्लोर की अलग अलग खासियत है। मैं इस फ्लोर में जाऊंगा और आपको दिखाऊंगा। अगर आप हमारे भर्रा बस्ती की ओर से आते हैं तो रांची मोहल्ला से आप ऊपर की ओर चढ़ेंगे तो सैनिक पैलेस मिलेगा। अगर आप गौस नगर से आ रहे हैं और सेक्टर 1 से आना चाहते हैं तो आपको पांडे इंटरनेशनल स्कूल आना होगा और उसके बाजू में आप देखेंगे सैनिक पैलेस को। तो ये तो मैं आपको बताया कि यहाँ पर कैसे पहुँचेंगे। अब हम इसके पूरे हॉल को देखेंगे, यहाँ की व्यवस्था को देखेंगे, यहाँ पर किस तरह की व्यवस्था है और सारे को आपको मैं डिटेल में बताऊँगा। तो आइए मेरे साथ चलते हैं इस हॉल को देखने के लिए। जैसे ही आप इस हॉल में आया तो मैं आपको बताऊं कि ये हॉल ग्राउंड फ्लोर में है और यहाँ पर डाइनिंग की व्यवस्था की जाती है। पूरी तरह से आप देख सकते हैं कि डाइनिंग का बहुत ही क्रॉस वेंटिलेशन है और इस साइड में एक स्टोर बना हुआ जहाँ पर आप खाना बना के रख सकते हैं। अगर हम बात करेंगे कि यहाँ पर जो डाइनिंग होगा वो खाने का जगह कहाँ है, तो मैं मेरे आप बाएं साइड में आप देख सकते हैं कि लगभग 20 फीट का लंबा एक कॉरिडोर है जहाँ पर आप खाना बना सकते हैं और उसके बाहर सटा हुआ एक टॉयलेट है जहाँ पर जो लोग खाना बना रहे हैं, जो भी कुक आए हैं, उनके लिए अलग सेपरेट बाथरूम दिया हुआ है। अगर हम अब यहाँ से हम आपको लेके चलेंगे फर्स्ट फ्लोर पर जहाँ पर स्टेज बना हुआ, उसको भी हम देखेंगे कि ये व्यवस्था कैसी है। ग्राउंड फ्लोर से मैं फर्स्ट फ्लोर पर आ गया। फर्स्ट फ्लोर पर आप जैसा कि देख रहे हैं कि पूरा पीछे स्टेज बना हुआ जहां पर जयमाल कर सकते हैं। आप अगर रिंग सेरेमनी कर सकते तो स्टेज ऑलरेडी बना हुआ है, यहां पर आप अपने लायक डेकोरेशन कर सकते हैं। आइदर फूल का कर सकते हैं, आप लाइट से डेकोरेशन कर सकते हैं। उसके अगर सटा हुआ देखा जाए तो एक क्लॉथ रूम है जिसको आप ड्रेसिंग रूम कर सकते हैं, वहाँ पर आप तैयार हो सकते हैं। उसमें बाकायदा शीशा लगा हुआ है, लाइट का पूरा अरेंजमेंट है। और मैं फिर आपको बताऊँ कि 4000 स्क्वायर फीट के इलाका में आराम से आप कुर्सियां लगा के इस पूरे प्रोग्राम को, यहां पर जो भी आप प्रोग्राम करेंगे उसको आप एंजॉय कर सकते हैं। मैं आपको एक चीज और बताऊं कि हर एक फ्लोर में लगभग 600 स्क्वायर फीट का एक बालकनी बना हुआ जहां से क्रॉस वेंटिलेशन होता है और आप पूरे प्रोग्राम को एंजॉय करेंगे। आइए अब आपको लेके चलते हैं हम सेकंड फ्लोर की ओर।
अब हम सेकंड फ्लोर पर आ चुके हैं। जैसा कि आपको मैंने दिखाया था पहले फर्स्ट फ्लोर, अब ये सेकंड फ्लोर। सेकंड फ्लोर पर आने के बाद यहाँ पर जो देख रहे हैं तीन कमरा है, तीनों कमरा जो है अटैच बाथरूम है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये इतना स्पेस है, यहाँ पर आप मंडप बना सकते हैं। मंडप बनाने के बाद भी इतना सफिशिएंट प्लेस है कि जहाँ पर आप बैठ के पूरे प्रोग्राम का आप इंजॉय कर सकते हैं। मैं आपको फिर से एक बार याद दिलाऊं कि 4000 स्क्वायर फीट में ये सैनिक पैलेस जो बना हुआ है, इनके टाइल्स जो लगे हुए इतने शानदार हैं। जैसा कि मैं आपको बताऊं कि हाल ही में यहाँ पे एक प्रोग्राम हुआ था और उस प्रोग्राम को देखने के लिए लोग बाहर से आए थे, यहाँ पे इवेंट्स कराने के लिए लोग बाहर से आए थे। कहा जाता है कि वेस्ट बंगाल से इवेंट कराए थे। इवेंट की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब तक अगर आपके पास किसी भी फंक्शन करने के लिए प्लेस नहीं होगा तो वो इवेंट अच्छा सा नहीं होता है। मैं आपको अब लेके चलता हूं तीसरा फ्लोर, जहां देखेंगे कि वहां पर ठहरने की क्या व्यवस्था है। मैं तीसरे फ्लोर पर अभी हूँ और आपको बताऊँ कि इस तीसरे फ्लोर पर मैंने 7 कमरा देखा। 7 कमरा, जो भी कमरा वो डबल बेड का है, हर एक कमरे के साथ अटैच बाथरूम है और उस बाथरूम में गीज़र लगा हुआ है कि अगर आप ठंडे के दिनों में आते हैं और कोई फंक्शन करते हैं तो पूरा आपको गर्म पानी मिलेगा और आप आराम से स्नान करेंगे। सारा जो भी कमरा हम देखे हैं उसमें एक ड्रेसिंग टेबल भी लगा हुआ है, शीशा भी लगा हुआ है, साथ ही साथ हर एक रूम को वेंटिलेशन भी है, 2 खिड़कियाँ लगी हुई हैं। आप बाजू वाले कमरे में देखेंगे तो साथ में आपके सटा हुआ एक बालकनी है जिससे आप बाहर का सीन भी देख सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। मैं आपको दिखाऊं कि ये कॉरिडोर के ठीक आप स्ट्रेट में जाएंगे, एक छोटा सा पैंट्री का भी जगह है कि आप वहां पर कोई कॉफ़ी या चाय बना सकते हैं। और अब आपको हम लिए चलते हैं टॉप फ्लोर, जो ओपन इलाका है, वहाँ पर किस तरह की व्यवस्था है इसको भी देखेंगे। धीरे धीरे हम इस बैंकेट हॉल के ऊपर आ गए हैं और ये छत का एरिया है। आपको बता दें पूरा बैंकेट हॉल 4000 स्क्वायर फीट में बना हुआ है। हम छत पर जैसे ही आए हैं हम यहाँ देख रहे हैं कि पानी की 3 टंकियाँ लगी हुई है। 3 टंकियों का मतलब है कि आप बहुत अच्छे से जान सकते हैं अगर यहाँ कोई भी फंक्शन होता है तो पानी के लिए हमें नहीं सोचना है, क्योंकि इतना सफिशिएंट पानी रहता है कि इस पानी से आप पूरे प्रोग्राम को इंजॉय कर सकते हैं। दूसरी बात एक हमें समझ में आई कि यहाँ पर ये पूरा ओपन इलाका है जहाँ पर जाड़ों के दिनों में आप बैठ के कोई भी फंक्शन का कोई भी रिचुअल्स यहाँ पर कर सकते हैं।
सैनिक पैलेस में जैसे ही मैं गेट से एंट्री किया तो आपको बताऊं कि जो जिस एरिया में मैं खड़ा हूं वो बच्चों का सबसे मनपसंदा जगह है, क्योंकि यहां पर वो काउंटर्स लगता है, जैसे आप कह सकते हैं फास्ट फूड का काउंटर, चाउमीन का काउंटर, आइसक्रीम का काउंटर, गोलगप्पे का काउंटर, इवन कि यहाँ पर पान स्टॉल भी आप लगा सकते हैं। ये पूरा ओपन इलाका है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो साइड में एक नल दिया हुआ जहाँ से आप पानी यूज कर सकते हैं, और हैंड वॉश के लिए बेसिन भी है साथ ही साथ। अगर यहाँ पर कोई फंक्शन होता है तो कोई भी आपके गेस्ट आएंगे यहाँ पर पूरी तरह से इंजॉय करेंगे और बाहर आके हाथ धो के वो यहाँ से विदा हो जाएंगे। अब समय आ चुका है कि मेरे साथ जो खड़े हैं फौजी भाई टीए खान साहब। खान साहब फौज से रिटायर हुए हैं और आने के बाद यहाँ पर एक ऐसा काम किए हैं जिससे यहाँ के रहने वाले रेसिडेंशियल इलाका में जो भी रहते आसपास को बहुत ही सुविधा होगी। उन्हीं का ये बनाया हुआ बैंकेट हॉल है। खान साहब आपका बहुत बहुत नमस्कार है सर, आपका कार्यक्रम में। नमस्ते सर। सर ये कब आपने इसको बनाया? एक्चुअली मैंने स्टार्ट किया था दिसंबर 2019 में जी, और इसको मैंने 2020 में कंप्लीट कर दिया। एक्चुअली दो साल मुझे कंटिन्यू लगा, यहाँ तक के मैंने लॉकडाउन की वजह से कुछ डिले हुआ लेकिन वो कंप्लीट हो गया और मैंने इसका ओपनिंग 2020 में कर दिया था। मैं आपको बताऊं कि आपका पूरा मैं बैंकेट हॉल देखा, बहुत ही खूबसूरत है। अभी यहाँ पर जो लोग प्रोग्राम किए आपको क्या कहें? देखिए मैं रिटायर्ड सैनिक हूँ और मैंने सोसाइटी के लिए बहुत से काम किए हैं, सोशल काम एक्चुअली मैं बहुत करता हूँ, तो मैंने महसूस किया कि बच्चियों की शादी को बहुत आसान किया जाए, इसलिए कई कई बार मैंने ऐसा भी हुआ है कि जो गरीब लोगों की शादी मैंने वो सोच भी नहीं सकते थे तो मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया है। यहाँ पर कई ऐसे एग्ज़ाम्पल हैं और मुझे ये लगा कि जो लोग अभी तक जो बारात आई या बच्चियों लड़कियों की शादी हुई या लड़कों की, उन्होंने मुझे बहुत ही मतलब इनक्रेज किया और उन्होंने कहा कि मतलब बहुत खूबसूरत बना हुआ है और हमने बहुत इन्जॉय किया और किसी तरह की कोई पार्किंग की प्रॉब्लम नहीं, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं, सभी लोगों ने सराहा है। मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, अपने दर्शक को मैं बताऊँगा कि यहाँ पर क्या वेज है या नॉन वेज है? सर देखिए ये डिपेंड करता है कि जो पार्टी जो बुक करते हैं उनके ऊपर। अब वो कोई नॉन वेज वाले भी आते हैं और वेज वाले भी आते हैं, लेकिन यहाँ पर स्ट्रिक्टली प्रतिबंधित मांस को हम नहीं बनाने देते, चाहे वो किसी भी तरह का हो वो मांस नहीं बन सकता, सिर्फ जो है मटन और चिकन। अच्छा एक चीज़ मुझे बताइए कि यहाँ पर कोई अगर बुकिंग कराता है तो आपके तरफ से सिर्फ बैंकेट हॉल देते हैं, बिजली देते हैं, पानी देते हैं कि और भी टेंट की भी व्यवस्था है? सर मैं यहाँ पे जैसे मैं स्टेज दे रहा हूँ उसके साथ सोफ़ा दे रहा हूँ, 100 चेयर्स दे रहा हूँ कवर के साथ, डिफ्रीज़र दे रहा हूँ, हर एक रूम में बेड देख रहा हूँ जो आपने देखा, और इसके साथ गीज़र वगैरह की फैसिलिटी दे रहा हूँ। सिर्फ जो है जो बुकिंग करने वाले हैं उनको बर्तन अपने अपनी कम्युनिटी के हिसाब से अपने लाना है। चलिए एक तो बहुत हमें अच्छी जानकारी मिली कि यहाँ पर आपके तरफ से 100 चेयर मिलता है जी। अगर जैसे यहाँ की महिलाएं कभी कभी सावन महोत्सव करती हैं, होली मिलन, वो भी यहाँ पर बहुत आराम से हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, बर्थडे पार्टी हो या सावन महोत्सव हो या दुर्गा पूजा के वक्त जो है आपने कन्या पूजा होता है, डांडिया होता है वो भी लोग करते हैं, तो स्ट्रिक्टली मैंने जो है पॉलिटिकल प्रोग्राम मैं नहीं करने दूंगा और धार्मिक और सामाजिक प्रोग्राम के लिए ये मैरिज हॉल एकदम खुला हुआ है। हमारे साथ थे टीए खान साहब जो यहाँ के ऑनर हैं, उनके तरफ से हमें दो बात बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आया। पहला कि यहाँ पे किसी भी पॉलिटिकल कार्यक्रम यहाँ पर अलाउड नहीं है, साथ ही साथ किसी भी प्रतिबंधित मांस को यहाँ पर बनाने का अलाउड नहीं किया गया है। आप हमारे साथ बने रहे, मैं हिमांशु अपने सहयोगी के साथ। बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।